महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है, क्योंकि चुने गए जो 11 एमएलए हैं शिवसेना के, वो सूरत में डेरा डाले हुए हैं। हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सूरत के लिए मैरिडियन होटल की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है, ताकि किसी तरह से मीडिया वहाँ होटल तक न पहुँचे, कोई जानकारी किसी तरह की हासिल न कर सके। सूरत पुलिस की ये सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं। इससे ये भी साबित होता है कि जो महाराष्ट्र के शिवसेना के एमएलए हैं, बताया जा रहा 11 एमएलए हैं, वो इसी मेरिडियन होटल में फिलहाल ठहरे हुए हैं। किस बात से नाराज हैं, क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन सूरत पुलिस ने उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रखी है कि किसी तरह से मीडिया वहाँ तक न पहुँचे या फिर कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता उनसे न पहुँचे। यहाँ पर जो भी होटल में आ रहे हैं उनके आई कार्ड देखे जा रहे हैं, आई कार्ड देखने के बाद ही उनको वहाँ पर अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो गुजरात सरकार स्वाभाविक तौर से भाजपा की सरकार है, और महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक भूचाल आया है, तो शिवसेना उनकी विपक्षी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा इस तरह से एमएलए को यहाँ पर उनको सुरक्षा दी हुई है, और ये उसी वजह यही वजह है कि पुलिस जो है, गुजरात की पुलिस जो है, उनको सुरक्षा दे रखी है, और किसी तरह से उनसे कोई मुलाकात ना हो सके, ये बात साबित हो सकती है। 11 एमएलए बताए जा रहे हैं मेरिडियन होटल में, कौन कौन है फिलहाल उनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन सूरत की ये तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर शिवसेना के बागी एमएलए कहे जा सकते हैं, वो यहाँ मेरिडियन होटल पर ठहरे हुए हैं। आने वाले समय में किस तरह का यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या मीडिया को बताते हैं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से महाराष्ट्र छोड़कर वो एमएलए सूरत पहुंचे हुए हैं, तो कहीं कि उनकी पार्टी के प्रति नाराजगी है, और किस तरह की नाराजगी है ये तो जब मीडिया के सामने व्यक्त करेंगे तभी पता चल पाएगा। संजय सिंह राठौर, सूरत।